वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। तो ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है फोर्स के बारे में। क्या होता है फोर्स? फोर्स इज ए पुश और पुल दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी और शेप। कि फोर्स क्या है, या तो आप किसी को खींचो या किसी को धक्का लगाओ, पुश करो, ठीक है ना। और दोनों ही केस में क्या होंगे, या तो वेलोसिटी चेंज होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, या उसकी हो सकता है शेप चेंज है। तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, अगर हम गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, अगर उसको हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो उसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर हम बैलून का एग्जांपल लें, अगर उसमें आप पुश या पुल करोगे तो वहां पे आप उसकी शेप चेंज होगी, ठीक है ना। ऐसे हम फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, तो दीज आर बेसिक फोर्सेस विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन देयर ओन। मतलब बेसिक फोर्सेज है जो अपने आप मतलब नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, हमने सिर्फ इनको स्टडी किया है, ठीक है ना। नेचुरली एग्जिस्टेड इन नेचर, अपने आप नेचर में जो है ये एग्जिस्ट हुए हैं। कितने हैं ये? देयर आर फोर सच फोर्सेस, चार हैं। से ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार टाइप के फंडामेंटल फोर्सेज हैं। तो एक कैटेगरी तो ये, दूसरी कैटेगरी कौन सी है? ड्राइव्ड फोर्सेज। ड्राइव्ड, तो द वर्ड ड्राइव्ड मीन्स जो हमने निकाले हैं, ठीक है ना, ड्राइव किया है। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम फंडामेंटल फोर्सेज। तो कहाँ से निकाले हमने इनको? फंडामेंटल फोर्सेज से ही निकाले हैं, ठीक है ना। अदर देन अबव फोर फंडामेंटल फोर्सेज ऑल आर ड्राइव फोर्सेज। तो ऊपर वाले चार छोड़ के इसके अलावा जितने भी हम फोर्सेज को स्टडी करते हैं वो सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ड्राइव्ड फोर्सेज के अंदर। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स, तो ये सब हमने नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द अपोजिट फोर्स बिटवीन एनी टू डिफरेंट सर्फेसिस विच आर इन कॉन्टेक्ट। स्प्रिंग फोर्स, द फोर्स एग्जर्टेड बाई ए स्प्रिंग वाइल कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन। मस्कुलर फोर्स, तो इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स। फॉर एग्जाम्पल वाइल वॉकिंग, वाइल रनिंग, वाइल ड्राइविंग या वाइल राइडिंग ए बाइसाइकिल, देन यू यूज मस्कुलर फोर्स इन दैट केस। ओके, नाउ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ये भी सिमिलर सा ट्रॉपिक है, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा ये। तो इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स अप्लीकेबल टू ऑल द यूनिवर्स। पूरे के पूरे यूनिवर्स में ये फोर्स जो है अप्लीकेबल होता है। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? कि कोई भी चीज़ ग्रेविटी की तरफ जो है अट्रैक्ट होती है। जैसे आप कोई भी चीज़, अगर आप किसी भी सर्टन हाइट से अगर किसी चीज़ को आप छोड़ दोगे, फ्रीली फॉल अगर करेगी कोई ऑब्जेक्ट, तो वो कहाँ जाएगा? इट विल गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के नीचे की तरफ जाता है, ठीक है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ जाता है। यानी कि अब यही क्या, अभी किस वजह से क्या, किस चीज़ ने उसको खींचा है अपनी तरफ, तो उसको हम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। फोर्स लगता है उसके ऊपर, जो ग्रेविटी उस पर लगाती है, ठीक है ना। तो म्यूचुअली अट्रैक्टिव, और ये कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव है इन नेचर। म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स बाई वर्च्यू ऑफ मासेज एंड द डिस्टेंस सेपरेटिंग द फोर्सेज। किस किस पर डिपेंड करता है ये? मास कितना है ऑब्जेक्ट का और उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, ठीक है ना, डिपेंड करता है इस पर। ये हमने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एनी, हमने ये भी पढ़ा है कि एनी फ्रीली फॉलोइंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। उस पर मास का कोई असर नहीं होता, ठीक है ना। तो मास का असर नहीं हुआ, लेकिन हाँ डिस्टेंस का असर हुआ। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा, ठीक है ना। ये सब है इसमें, देखिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमने नाइन्थ क्लास में कुछ इस तरह से पढ़ा था कि मान लीजिए दो बॉडी हैं जिनका मास m1 है और m2 है, एंड दीज टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r, ठीक है। तो फोर्स जो इनके बीच में लगेगा वो कैसे लगेगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट
यहाँ लगा देंगे हम प्रोपोर्शनलिटी को, जब हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जी, जिसे हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, कैपिटल जी से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, ये हर जगह लगेगा। और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है, वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है, सबसे कम है इसकी स्ट्रेंथ। इसकी जो ताकत है अट्रैक्ट किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो सबसे कम है। हमने चार फंडामेंटल फोर्स पढ़ने हैं तो उसमें से पहला ये है, और इन चारों में से सबसे कम जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसका है। ठीक है, ड्यू, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड बट व्हाई मून डज नॉट कम इन टू द अर्थ। कोई भी चीज़ हो जो छोड़े किसी भी हाइट से तो नीचे की तरफ जाएगी, ग्राउंड की तरफ जाती है, यानी कि क्या इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ किसी भी चीज़ को अपने सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, अब कोर की तरफ उसको खींचता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो जब इतनी ताकत है तो फिर मून को क्यों नहीं खींच पाता हूँ अपने अंदर, जबकि मून तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी एम एन अपॉन आर स्क्वायर। तो एम यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एम द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास है, और स्मॉल एम क्या है द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्या ले रहे हैं, मून को ले रहे हैं स्मॉल एम, और आर स्क्वायर द डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज अर्थ एंड मास, इसके बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है ना, अब देखिए फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ये फोर्स क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल जो है वो अर्थ के अंदर ही है, ठीक है ना, यानी कि उसका डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है। और ये देखिए मून जो है वो अर्थ से बाहर है, यानी कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज फार मोर देन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एप्पल। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम हो जाएगा, और इसके कंपेरेटिवली, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि सिंस अर्थ अट्रैक्ट्स मून इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बट सिंस दैट फोर्स इज नॉट लार्ज एनफ टू मेक मून फॉल ऑन टू द अर्थ। कि ये फोर्स तो लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स तो लगता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं लग पाता कि उसको अपने अंदर ही खींच ले, ठीक है ना, लेकिन ये इतना भी कम नहीं है कि उसको फ्री कर दे, ठीक है ना, उसको बांध के तो रखता है, तो बांध के इन द सेंस उसको क्या करता है अपने चारों तरफ घुमाने लगता है वो, ठीक है, उसको अंदर तो खींच नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर क्या है कि टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है एक तरीके से, ठीक है ना, जैसे इस पॉइंट पे ये टेंजेंशियल फोर्स यहाँ लगेगा, तो फिर और इस पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स इस पॉइंट पे, तो ये हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स लगता है, और हम देखते क्या है कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन में घूमता है, और किसी भी पॉइंट पे इस मून की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मून की पोजिशन ये है, और इस पोजिशन पे एकदम से जो है अर्थ की ग्रेविटी मान लीजिए जीरो हो गई, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा, और उस केस में मून के साथ क्या होगा, मून इस पॉइंट पे टेंजेंशियल जो है निकल जाएगा, यानी कि अर्थ से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इतना वीक, इतना मतलब इतना वीक भी नहीं है कि इसको अलाउ कर दे, ठीक है ना, इसको बांध के तो रखता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि इसको अंदर खींच ले। ठीक है, तो होता क्या है, इसको अपने चारों तरफ घुमाने लगता है। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अफेक्ट दोनों के वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है ना, तो इट इज अ फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स देखा जाता है। तो चार्ज पार्टिकल्स कैसे हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में है, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव,
तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लाइक लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, इसमें भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इट इज 10^38 times स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेरेटिवली इतना ज्यादा है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है। और ये कहाँ बेसिकली लगता है, ये मोलिक्यूलर या एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये फोर्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये आता कैसे है, जैसे हमने देखा है कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी कि ये चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हमने 10th class में पढ़ा था, ठीक है, कि कोई भी चार्ज अगर स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, चार्ज इन मोशन, जब ये चार्ज मूव करने लगता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज हम क्या बोलते हैं, करंट। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। और एक करंट, इफ ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अक्रॉस दैट पर्टिकुलर वायर। तो ये भी हमने 10th में पढ़ा है कि जब चार्ज फ्लो करते हैं तो उसके उससे करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वही चार्ज अगर मूव करने लग जाए तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अगर ये दोनों चीज़ों को हम मिला दें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जब दोनों को हम मिला देते हैं तो वहाँ पे थर्ड फैक्टर हमारे सामने आता है, जो कि क्या है, फोर्स, ठीक है ना। और ये फोर्स जो लगेगा वो कैसा होगा, इट विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। देन द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड, हाउ एन एटम इज स्टेबल, एक एटम स्टेबल होता कैसे है, क्या चीजें हैं जो एक एटम को स्टेबल करके रखती है। तो आंसर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, वो तो क्या है, न्यूट्रल है। तो बात करते हैं प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स, अब प्रोटॉन्स पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो ये करते हैं रिपल्शन, एक रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करते हैं। और ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, इस रिपल्सिव फोर्स को काउंटर बैलेंस कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके चारों तरफ रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। से पॉजिटिव प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, तो ये मिलके क्या करते हैं, एक एटम को स्टेबल करते हैं। इफ दिस स्टेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिमूविंग सर्टेन, इफ दिस स्टेबिलिटी इज डिस्टर्ब्ड बाय रिमूविंग सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स, देन एटम बिकम्स रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल। तो अगर हम कुछ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल लें, ठीक है, तो उस केस में मेजोरिटी कैरियर्स, या सॉरी, जो मेजोरिटी चार्ज है वो इसमें जो प्रोटॉन्स का हो जाएगा, उस केस में जो है एटम हमारा जो है अनस्टेबल हो जाता है। और मोस्टली जो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर के अंदर, जैसे कि हमने जो यूरेनियम वगैरह पढ़ते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो रेशियो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, वो काफ़ी डिफर करता है, ठीक है ना। तो उसमें जो मास डिफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और उसी मास डिफेक्ट की वजह से उसके अंदर एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है, और वो कंटिन्यूसली एक एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं। और इस रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो डिके होता है, इस वजह से जो रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा निकलती हैं या बीटा निकलती हैं, गामा रेज जो निकलती हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। और ये इसी वजह से होता है, क्योंकि आपका एटम जो है वो उस केस में अनस्टेबल होता है, ठीक है ना।
थर्ड कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑपरेटिंग विद इन न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के अंदर ही है, किस किस के बीच में है, आप न्यूक्लियस के अंदर होते क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इनके बीच में जो फोर्स होता है। अब हमें पता है प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी न्यूट्रल चार्ज होते हैं, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स। तो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, तो ये जो फोर्स है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो चार्ज पे कौन सा फोर्स डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एक पे ही चार्ज है, एक पे तो चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब, और फिर भी जो है एक फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड, व्हाई डिड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इवॉल्व। अब ये फोर्स आया ही क्यों एग्जिस्टेंस में, ये फोर्स मतलब पैदा ही क्यों हुआ, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस ही क्यों आई है, इसका आंसर क्या है कि लेट कंसिडर इफ देर इज नो फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मान लीजिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये फोर्स है ही नहीं, देन उस केस में क्या होता, इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स प्रोटॉन्स और वाइस वर्सा। तो अगर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर ये फोर्स नहीं होता तो उस केस में, अब देखिए इस एटम में क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो या तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा या इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो दोनों ही केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है कोलैप्स कर जाएगा एटम के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है ना, विच लीड्स टू कोलैप्स ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस वजह से जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है ना, एटम ही आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में, ठीक है ना। क्योंकि एटम के बारे में क्या पढ़ते हैं कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, तो ये हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा तो उस केस में क्या होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बिकॉज सिंस दे आर अपोजिटली चार्ज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएंगे और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है आपको बिगड़ जाएगा, इसका मतलब एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग हो गया फिर, या कि इसका और इस मतलब कितना इसका बेस कितना इंपॉर्टेंट है इस फोर्स का। देर वुड बी नो फोर्स विच कैन होल्ड द प्रोटोन क्लोज टू द न्यूक्लियस इन साइड द क्लोज टू द न्यूट्रॉन इन साइड द न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये न्यूट्रॉन नहीं होते तो इस न्यूक्लियस में क्या होता, सिर्फ प्रोटोन्स और सारे के सारे प्रोटोन्स हैं, और प्रोटोन्स पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज या लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि सारे के सारे प्रोटोन क्या करते हैं एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और दूर जाने की कोशिश करते हैं तो उस केस में भी जो आपका एटम का जो स्ट्रक्चर है वो ये बिगड़ जाता, ठीक है ना। तो इस इनके बीच में ये रिपल्शन फोर्स कम करने के लिए एक तरीके से सैंडविच कर दिया गया है, जैसे तरबूज आपने देखा तरबूज के अंदर दाने कैसे बिखरे रहते हैं, बीज कैसे बिखरे रहते हैं, तो वैसे ही जो है इसके अंदर ये न्यूट्रॉन्स जो हैं बिखरे रहते हैं। तो ये जो दो प्रोटॉन है जिसके बीच में रिपल्सिव फोर्स आना चाहिए था उसके बीच में न्यूट्रॉन आके बैठ जाता है, तो एक दूसरे के ऊपर ये रिपल्सिव फोर्स लगा नहीं पाते दोनों प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है एटम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। द एटॉमिक स्ट्रक्चर बिकॉज देयर वुड बी नो फोर्स विच कैन होल्ड द प्रोटॉन क्लोज टू द न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, देयरफॉर देयर शुड बी एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये क्या है, स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर ज़्यादा होता, जो कि हमने पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होता है, तो चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि अगर इसके बीच में तो इसको खींच लेता अपने अंदर, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में ही खींच लेते प्रोटॉन, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता। लेकिन नहीं खींच पाता ना, तभी तो एटम स्टेबल होता है। इसका मतलब इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, और वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस के अंदर, किस किस के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है।
तो एफ एंड पी क्या है, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव है, ठीक है ना, प्लस, और ये स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कांट द अट्रैक्टिव फोर्स विद इन द न्यूक्लियस बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, विच इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें पता है कि जो फोर्स है बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वो कैसा है, एक तो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट करता है, प्लस इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इट इज स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग है ये, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव है तो इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, लेकिन स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इससे भी वीक होता है, ठीक है, जबकि ये इससे ज़्यादा है। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होती। तो फर्स्ट हाफ में तो ये चीज़ अप्लीकेबल हो रही है कि एफ जी अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो इट फुलफिल्स द फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ में तो ये अप्लीकेबल हो रही है, लेकिन जो सेकेंड हाफ में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अप्लीकेबल नहीं होता। तो इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डज नॉट फुलफिल्स द सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ में ये बात जो है फिट नहीं बैठती है, ठीक है। द लास्ट वन, द लास्ट कैटेगरी ऑफ द फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हो वीक न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स है इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही है ये, और कैसा फोर्स है, वीक है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होगा, इट ऑपरेट्स विद इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डिके फॉर हैवी न्यूक्लियाई। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई, डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले, कि जो हैवी एटम्स होते हैं, ठीक है ना, जिनका न्यूक्लियस की साइज बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेम नहीं रहते, ठीक है ना, इसमें इनके दोनों के मास में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आता है, और उस मास डिफेक्ट की वजह से ये जो हैं इस तरह के एटम अनस्टेबल हो जाते हैं, और जब एटम अनस्टेबल होता है तो वो धीरे धीरे ब्रेकडाउन होता है, और जब कोई चीज़ ब्रेकडाउन होती है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और इस तरह के केस में जो एटम से एनर्जी रिलीज होती है वो कैसी एनर्जी रिलीज होती है, रेडियो एक्टिव एनर्जी, जिसे हम रेडियो एक्टिव डिके भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो लास्ट कैटेगरी है ये, और ये सबसे स्ट्रांग, मतलब सबसे वीक, सॉरी सबसे वीक ही है, नाम से ही पता चल रहा है, सबसे वीक जो है न्यूक्लियर फोर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर आपका पहला फिजिकल वर्ल्ड, ये ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी के अगर छूट गए हैं टॉपिक, या पिछला मेरा वीडियो नहीं देखा किसी ने, छूट गया हो, तो आप मेरे को यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसमें सर्च करोगे CBSE नोट्स बाय राकेश सैनी सर, तो आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हो। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप सेम एक लॉन्ग रजिस्टर बनाओगे, दोनों साइड रूल्ड होना चाहिए लाइनदार, और उसमें जो भी आप ये स्लाइड देख रहे हो या आप एज इट इज उसमें उतार लेना, ठीक है, तो आपके साथ के साथ ये नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये आपके कंप्लीट हो जाए तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ताकि मैं चेक कर लूँ, अगर कुछ भी गलती होगी तो मैं आपको ऑन द स्पॉट वहीं बता दूँगा, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।